मैं सब का रहने देश इस जंगल वाली बारे में, और यहाँ पर दिन हो जा रहा था, यहाँ पर हर समय जंबी स्पॉन रहते हैं, और यहाँ पर जानवरों के स्पॉन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो क्या मैं 100 सर्वाइव कर पाऊँगा? और चैलेंज भी है, पहला अपने लिए अच्छा सा घर बनाना, दूसरा फुली डायमंड लाना बनाना, और तीसरा 100 कमाना। तो लेट्स स्टार्टेड वीडियो वन। सबसे पहले मैं ट्री काटता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल बना के पिकेक्स बनाता हूँ। उसके बाद साइड से मैं स्टोन दिखता है, उसके बाद जाकर मैं स्टोन इकट्ठा करके अपने टूल को स्टोन में अपग्रेड करता हूँ। अपने टूल को स्टोन करने के बाद मैं एक अच्छा सा जगह देखता हूँ कि जहाँ पर मैं अपना घर बना पाऊँ। उसके बाद मुझे एक ट्री दिखता है जिसपे मैं अपना बेस बनाता हूँ। तो मैं पहले स्टिक में से यहाँ पर लेटर बनाता हूँ, लेटर से ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर रात भी हो चुकी थी। उसके बाद मैं ऊपर जाकर पहले एक छोटा सा बेस बनाता हूँ। और बेस में आते आते यहाँ पर दिन भी हो जाती है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, और थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक यहाँ विलेज दिखता है, और जिस यहाँ पे एक रूइंग पोर्टल भी था। तो उसके बाद जाकर मैं इसका चेस्ट चेक करता हूँ, जिसमें से मुझे बहुत अच्छी खासी लूट मिल जाती है। उसके बाद यहाँ चेस्ट लूटने के बाद मैं चला जाता हूँ सीधा माइनिंग के लिए, और माइनिंग में जाकर मैं बहुत सारा आयरन डायमंड और कोल इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद वापस मैं अपने बेस पे आता हूँ। बेस आने के बाद मैं जो फर्नेस बनाता हूँ, उसके बाद मैं अपने आयरन का स्मेल्ट होने के लिए रख लेता हूँ। आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैं अपने लिए फुल्ली आयरन का सेट बनाता हूँ एक। और इसी के साथ मेरा डायल आयरन सेट बनकर रेडी हो चुका था। तो अब बारी था मेरे अच्छे से घर बनाने की। उसके बाद मैं जाता हूँ बहुत सारा ट्री इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद मैं बहुत सारा ट्री इकट्ठा करके लाता हूँ। उसके बाद मैं अपना घर बनाने
और यहाँ पर मेरा घर बनकर रेडी हो चुका था, जो कि एक जैपनीज हाउस था और बहुत अच्छा दिख रहा था। तो अब मैं इसको थोड़ा टूट दे देता हूँ। तो पहले यहाँ बालकनी है जहाँ से मुझे बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आते हैं, मुझे सबसे पहले दिखता है स्टोर रूम, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके ऊपर जाने के बाद मुझे एक यहाँ पर फर्नेस रूम है। और इसके सबसे लास्ट फ्लोर पर जाने के बाद यहाँ पर मेरा एक बेडरूम है। तो अब चलते हैं नीचे यहाँ से। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने लिए फार्म बनाने के लिए। कुछ मेरे फार्म के लिए कुछ नहीं था और यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं फार्म बनाने लगता हूँ। तो देर से फार्म बनाते हैं यहाँ पर एक। इसके साथ मेरा फार्म भी बनकर रेडी हो चुका था। और यहाँ पर फार्म बनाते बनाते रात भी हो चुकी थी। उसके बाद मैं जाता हूँ सोकर दिन कर देता हूँ। दिन होने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए डायमंड का पूरा फुल सेट बनाता हूँ। और इसके साथ मैं डायमंड फुल सेट बनकर रेडी हो चुका था। अब मैं जाने वाला था माइनिंग पे, क्योंकि मुझे चाहिए था बहुत सारा ऑब्सिडियन, क्योंकि मुझे नेटर पोर्टल बनाना था। उसके बाद मैं चला जाता हूँ पहले वाले केव में, जहाँ से मैं बहुत सारा ऑब्सिडियन इकट्ठा कर कराता हूँ। यहाँ पर आने के बाद वाटर के मदद से मैं बहुत सारा ऑब्सिडियन बनाता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्नेक कलर लेकर मैं सीधा अपने देश को वापस चला जाता हूँ। अपने बेस पर वापस आने के बाद मैं अपने लिए एक आइलेट बनाता हूँ, जहाँ पर मैं एक नेटर पोर्टल बना सकूँ। नेटर पटर बनकर रेडी हो चुका था। अब बात से लाइट अप करने की। और यहाँ पर लाइट अप करने के बाद मैं जाता हूँ सीधा नेटर पटर में। और यहाँ पर मेरे बहुत अच्छा स्पॉनर मिला था। इसके बाद मैं यहाँ से एंडर कॉल और ब्लेज और इकट्ठा करके मैं सीधा अपने वापस बेस पे चला जाता हूँ। दूसरे बेस पर आता हूँ, यहाँ पर बारिश हो रही थी। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने रूम में अब यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद मैं अपने लिए ब्लेज पाउडर बनाता हूँ और आई एफ एंडर बनाता हूँ। और यहाँ पर
फायर फेंडर बनाने के बाद मैं जाकर फायर फ्यूल को छोड़ रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद मैं पहले आप आई एफ हंड्रेड थ्रो करता हूँ जो कि पीछे की तरफ जा रहा था। उसके बाद मैं चला जाता हूँ सीधा ढूंढने के लिए नए स्टोन को। बहुत दूर आने के बाद मुझे फाइनली एंड स्टोन मिल जाता है जो कि इस विलेज में था। यहाँ पर मैं कंफर्म करने के लिए एक और एंडर ऑफ थ्रो करता हूँ। और यहाँ पर आ रहा था उसके बाद मैं यहाँ से नीचे माइनिंग करने लगता हूँ। और यहाँ फाइनली मेरे को एंडर स्टोन मिल जाता है। उसके बाद नीचे आने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। और थोड़ी सी एक्सप्लोर करने के बाद मुझे यहाँ पर लाइब्रेरी में रूम मिल जाता है जहाँ से मैं बहुत सारा बुक्स इकट्ठा करके ले जाता हूँ। और बुक इकट्ठा करने के बाद मैं यहाँ से थोड़े से आगे जाता हूँ तो फाइनली मुझे एंड पोर्टल मिल जाता है। और यहाँ आने के बाद मैं से प्लेस का स्पॉनर तोड़ता हूँ। उसके बाद इसको लाइट अप एंड आई एफ एंडल लगा के इसको लाइट अप करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ सीधा एंड एडर से फाइट करने के लिए। मैं यहाँ पर स्पॉन हो चुका था। उसके बाद मैं आता हूँ इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर सब इसके जितने भी एंड क्रिस्टल है सबसे पहले इसको तोड़ता हूँ। सारे एंड केस को तोड़ता हूँ अब बढ़ते इसको मारने के लिए। और अपने वर्ल्ड में आता हूँ तो यहाँ पर बारिश हो रही थी और रात भी हो गया था। उसके बाद मैं सो कर पहले दिन करता हूँ। तो इसी के साथ मेरा 100 डेज पूरा हो चुका था। अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो कमेंट में बताना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कैसे ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।